मेरे साथ हैं कावी कॉम ट्रेड के हिमांशु गुप्ता और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का स्वागत है। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। सोने और चांदी में क्या रणनीति रखी जाए? हल्की सी मजबूती यहाँ पर नजर आ रही है, क्या करेंगे अभी आप सोने और चांदी में? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ सेशन में एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप होने में देखने को मिला है गोल्ड और सिल्वर में। लगातार डॉलर इंडेक्स में जो जिस तरह की वीकनेस है उसके चलते गोल्ड और सिल्वर में लोअर लेवल्स पे खरीदारी देखने को मिल रही है। हालांकि ग्लोबल मार्केट की जो नजर है वो बनी रहेगी, आज जो इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज होना है यूएस की तरफ से, तो वो एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर रहेगा। बट मेरा मानना है कि अभी शॉर्ट टर्म में ये एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में मार्केट पॉजिटिवली ही ट्रेड करने को देखने को मिल सकता है और इसके चलते खरीदारी की ही सलाह रहेगी। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड में 30,120 के लेवल्स पे खरीदारी करके चल सकते हैं 30,350 तक के टारगेट के लिए। 30,030 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं और इन्हीं लाइंस पे सिल्वर में भी 38,050 के लेवल्स पर खरीदारी की सलाह रहेगी 38,550 तक के टारगेट के लिए और 37,900 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, तो बाय साइड रहेंगे सोने और चांदी में आज हिमांशु जी। साथ ही में कच्चा तेल संभलने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ ही में अमेरिका में लगातार भंडार बढ़ने की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। हिमांशु, क्या अभी नजरिया बन रहा है कच्चे तेल में? देखिए, जिस तरह से लास्ट वीक में हमने एक ब्रूटल सेल ऑफ देखा है क्रूड ऑयल में, लगभग 10-12% से ज्यादा मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिल चुका है, जिसका मेन ट्रिगर यूएस में बढ़ते प्रोडक्शन ही रहा है। बट कहीं ना कहीं अभी मार्केट शॉर्ट टर्म में एक इमीडिएट सपोर्ट को कल मार्केट ने टेस्ट किया है। 3750-3780 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है जो कि पहले एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था। साथ ही साथ जिस तरह से इकोनॉमिक आउटलुक भी आईएमएफ ने अपग्रेड किया है रिसेंटली और कल आईईए की रिपोर्ट में भी जो इकोनॉमिक आउटलुक को अपग्रेड करने की बात की है, वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड भी लग रहा है, तो मुझे लगता है मार्केट में इस वक्त सेलिंग करने से बचें और लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ से एक अच्छा 3-5% तक का पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। तो आज के सेशन में 3780 पर फेब्रुवरी मंथ कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करने की सलाह रहेगी 3850 तक के टारगेट के लिए और 3750 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता भी हमारे साथ हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कैस्टर में काफी हम गिरावट देख रहे हैं, इसमें आपकी रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। कैस्टर में देखे तो कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमने देखा है कि फंडामेंटल साइड के अंदर जो एरिया है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और अब नई अराइवल भी स्टार्ट होगी तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में गिरावट का माहौल रहे। तो हमें लगता है कि कैस्टर में अभी जो ट्रेंड है वो डाउन का रहेगा, तो कैस्टर में बिकवाली करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि मार्च कॉन्ट्रैक्ट में नीचे करीबन 4,100 से लेकर 4,050 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही में कैस्टर के अलावा कॉटन पर आपकी रणनीति समझना चाहूंगी। देखिए, अभी लेटेस्ट यूएसडी रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें यह बताया गया है कि जो कैरी ओवर स्टॉक है, जो एंडिंग स्टॉक है, वो काफी ज्यादा है और जो प्रोडक्शन है वो भी इस बार बढ़ सकता है। तो हमने देखा है जैसे इंटरनेशनल भाव भी नीचे आते हुए दिखाई दिए और अगर हम देखें तो डोमेस्टिक भाव भी नीचे आते हुए दिखाई दिए। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी भावों में जो ट्रेंड है वो डाउनसाइड का है। हमें लगता है कि कॉटन के अंदर अभी और गिरावट हो सकती है और नीचे भाव करीबन 19,500 तक एमसीएक्स फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। हिमांशु जी, बेस मेटल्स में आपकी नजर कहाँ रहेगी? बेस मेटल्स में ओवरऑल हमें लगता है कि अभी मार्केट में करेक्शन का माहौल जारी रह सकता है। जो ये बाउंस देखने को मिल रहा है ये मोमेंट्री है। कल से चाइना लगभग 1 वीक के लिए हॉलीडे पर रहेगा तो फिजिकल डिमांड भी कम रहेगी। आज के सेशन में लेड में सेलिंग की सलाह रहेगी 165 के लेवल्स पर, 162 तक के टारगेट के लिए 166.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। ओके, और हम देख रहे हैं यहाँ पर रुपया आज हल्की सी मजबूती दिखाता हुआ। अनुज, करेंसी मार्केट में क्या किया जाए, रुपए की इस मजबूती को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इंडियन रुपीज हमें लगता है कि आज एप्रिशिएट हो सकता है। हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट हुई है जिसका असर इंडियन रुपीज में देखने को मिला है। हमें लगता है कि आज इंडियन रुपीज में एप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है। इंडियन रुपीज हमें लगता है कि बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे हमें लगता है टारगेट करीबन 64.1064 तक अगेन लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट अगर हम एक ब्रॉड रेंज की बात करें तो मार्केट थोड़ा रेंज में ही रहेगा। नीचे करीबन 63.80 सपोर्ट रहेगा और 64 रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ओवरऑल मार्केट इस रेंज में मूव करता हुआ दिखाई देगा मगर जो ट्रेंड रहेगा थोड़ा एप्रिसिएशन हो सकता है। तो आप आज सेल साइड रहेंगे क्या हिमांशु? आप भी अनुज से अग्री करते हैं, सेल साइड रहेंगे रुपए में, और आपके क्या तर्क हैं अभी?
जी बिल्कुल क्लियरली लास्ट वीक में जो एक पुल बैक यूएसडी आईएनआर पेयर में देखने को मिला था, हमें लगता है 64.40 एक क्रूशल रेजिस्टेंस था। मार्केट उस लेवल के ऊपर निकलने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया और ग्रेजुअली मार्केट में वहां से वीकनेस देखने को मिली है। ना केवल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि पोजिशनली भी हमें लगता है कि यहां से मार्केट में रुपये में एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है और 64.40 के ऊपर का एक पोजिशनल स्टॉप लगा के यहां से यूएसडी आईएनआर में सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी। हिमांशु जी और अनुज, आप दोनों का ही शुक्रिया आपने वक्त निकाला कमोडिटी बाजार के खुलते ही।